आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कोरबा शहर के बुधवारी बाजार में नकली नोट को असली बताकर खपाते हुए दो आरोपीगण को कोरबा पुलिस ने धर दबोचा। नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। 100 रुपए, 200 रुपए एवं 500 रुपए मूल वर्ग के कुल 17,500 रुपए नकदी बरामद। नकली नोट छापने में उपयोग किया जा रहा प्रिंटर जब्त। कोरबा पुलिस की कार्यवाही। कोरबा शहर के बुधवारी बाजार में नकली नोट को असली बताकर खपाते हुए दो आरोपीगण को गिरफ्तार करने में कोरबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कल दिनांक 31 दिसंबर 2020 के शाम करीब 7 बजे CSEB चौकी पुलिस को सूचना मिला कि बुधवारी बाजार कोरबा में एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। उपरोक्त सूचना पर CSEB पुलिस चौकी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक भागीरथी चौधरी के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर नकली नोट खपाने का प्रयास कर रहे रमेश्वरा अमलेश पिता मनोहर सिंह जाति भैना निवासी ग्राम रटगा थाना मरवाही को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया गया, जो अपने साथी राय बहादुर पिता मथुरा प्रसाद भैना एवं गुलाब अहिरेश पिता अतलाल भैना निवासी ग्राम रटगा थाना मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के साथ मोटरसाइकिल में नकली नोट लेकर बुधवारी बाजार में आकर तीनों व्यक्ति अलग अलग दुकानों में जाकर नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे हैं बताया। आरोपी रमेश्वरा अमलेश की निशानदेही पर आरोपी रमेश्वरा के मोटरसाइकिल के डिक्की से 200 रुपए एवं 500 रुपए मूल्य वर्ग का नकली नोट बरामद किया गया। अन्य आरोपी कर राय बहादुर एवं गुलाब अहिरेश को उसके साथी रमेश्वरा के पकड़े जाने की जानकारी हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों फरार हो गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु रात्रि में ही पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक आरोपी गुलाब अहिरेश पिता अतलाल अहिरेश निवासी ग्राम रटगा थाना मरवाही का पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों आरोपीगण ने बताया कि राय बहादुर अपने घर में नकली नोट छापने हेतु रंगीन प्रिंटर रखा है, उसी प्रिंटर से राय बहादुर नकली नोट छाप कर इन्हें देता है। फिर तीनों आसपास के बाजारों में जाकर सामान खरीददारी कर दुकानदार को नकली नोट पकड़ा देते हैं। आरोपी गुलाब अहिरेश की निशानदेही पर ग्राम रटगा जाकर राय बहादुर के घर से एक रंगीन प्रिंटर जब्त किया गया है। आरोपी राय बहादुर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी कर रमेश्वरा अमलेश के कब्जे से 8,200 रुपए एवं गुलाब अहिरेश के कब्जे से 9,300 रुपए कुल 17,500 रुपए मूल्य नकली नोट, एक रंगीन प्रिंटर तथा एक नग मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 489 का 489 खा एवं 489 ग भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।